इसके नीचे से मैं नाल को गुजार रहा था। अरीशा प्लीज मम्मा को शुरुआत करें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बिल्कुल नींदों में इसलिए लग रही हूँ बिकॉज मैं लिटरली अभी उठी हूँ, मैंने मुंह धोया, कपड़े चेंज किए एंड मैं बाहर निकली हूँ। सारा सीन आपको बताते हैं बट पहले मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? गाड़ी निकालते हैं क्योंकि आज मेरा हल निकलना है, ठीक है? शी इज़ अबाउट टू गो, तो उसके ना उसके जो मम्मा ने पैसे करने हैं ना ऐसे ऐसे, तो वो मेरे पास कुछ टूटे पैसे पड़े हुए थे लेकिन वो गाड़ी में मैंने कल रखे थे। आपके पास अभी पड़े हैं? एक मम्मा ने ये कर लिया तो खैर मुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जाने की ज़रूरत तो है स्टिल क्योंकि मेरा है लिटरली अभी निकलना है, तो उससे आगे मैंने जाना है यूनिवर्सिटी। सारा सीन आपको बताती हूँ। हाँ मुझे पता है, मैंने नहीं इट्स ओके, तुम अच्छा लगा दो यार। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है और बहुत बहुत उस तरह है कि पूरे उसमें फैल गई है। मुझे पता है मैंने इंटर्नशिप पे जाना था, मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ लेकिन गाड़ी में अभी निकलते हैं, ठीक है? तो ये रहा मनाहल का। एक मिनट, मैं ना कुछ खाने का निकालूँ फ्रिज से। एक कद मनाहल ने तो लाजमी लेना होता, तो ये दो चलन जी निकलते हैं एंड मैं आपसे गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ। इसके नीचे से मैं नाल को गुजारा था। ये बड़े थे वो पैसे बट खैर मम्मा को मिल गए, चलते हैं अभी निकलते हैं, मैं नाहल को लेट हो रहा है। मुझे तुम बताओगी FIT किधर है? क्या हो गया? मुझे कसम से नहीं पता किधर है। अभी तो आप सीधा जाए। नहीं, इधर से यू टर्न तो नहीं लेना? नहीं नहीं, सीधा सीधा अरीशा, मुझे नहीं, हम लोग एक तो लाल कुर्ती की तरफ सामने जाते हैं ना, मुझे टर्न हम लेते हैं इशारे से। हाँ अच्छा जी, AFID हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मनाहिल है अपनी मैम के साथ, वहाँ से निकलना है एंड वो लोग आगे फिर जाएंगे बस अड्डे तक, तो इसीलिए मैं ना मनाहिल को वहाँ पे बस स्टेशन जो भी है यार, बस अड्डा बस स्टेशन एक ही बात हो गई यार, सब समझ गए हो ना। चलो नहीं नहीं बट हमें कहना चाहिए। हाँ, और मनाहिल वहाँ अच्छे से रहना, ठीक है? अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़्यादा तंग ना करना, मैम को तंग ना करना, ठीक है? मुझे कोई तंग ना करे। ठीक हो गया अरीशा, प्लीज मम्मा का ख्याल रखना। ऑब्वियसली मम्मा का ख्याल मैं तुमसे ज़्यादा रखूँगी करना प्लीज। अच्छा वो भी उसका काम फिर पता है ना, फिर डिस्टर्ब हो। समाधि को मैंने क्यों तंग करना है? पर खैर उसको मैं ही तंग करती हूँ और उसको कोई तंग नहीं कर सकता है। जाना हुआ ना तो प्लीज उनको। ऑब्वियसली तुम मुझे ऐसी बात क्यों बता रही हो यार, मुझे पता है ऑलरेडी। ओके अच्छा, यहाँ से हमने इधर चलो क्या, अब इसको उतार के मैं एक दफ़ा ही आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने मनाहिल को यहाँ पे इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि उसकी मैम यहाँ पे काम करती है इन CMH एंड उन दोनों ने कलेक्टिवली सोचा कि हम एक साथ ही जाएंगे टू द बस स्टेशन क्योंकि दोनों के टिकट्स एक ही टाइम के हुए हुए थे। तो मैंने मनाहिल को कर दिया है ड्रॉप एंड अब मैं आप लोगों को ना बताती हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। आज है ट्यूसडे एंड येस्टरडे आई वाज सपोज टू जॉइन माय इंटर्नशिप का मेरा पहला दिन था, बट मैं जैसे ही सुबह ऑफिस जाने के लिए निकली तो हमारे CR का मैसेज आया कि हमारी कोई पेपर शोइंग हो रही है जिसमें एग्ज़ाम के भी जो हमने दिए ना फाइनल्स उसके पेपर्स जो है ना वो चेक हो चुके हैं, तो आप लोग आके चेक कर लेना, विच इज़ जो आज होना है, ठीक है? जिसके लिए मैं अभी जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। तो आई थॉट कि यार मैं क्या दूसरे दिन ही उनको बोलूँगी ऑफिस वालों को कि मुझे लेट आऊँगी और अच्छा नहीं लगता, मतलब मैं सेकेंड डे उनको कैसे बोल दूँ कि मैंने लेट आना है।
तो मैंने उनको कॉल की कि मैं ना अपनी ज्वाइनिंग ही आपको लेट दूंगी, तो उन पे दे अग्रीड कि ठीक है आप कोई मसला नहीं, आप वेनसडे से आ जाना। इसीलिए मैं कल भी नहीं गई एंड मैं आज भी नहीं गई। अभी मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी। ये दो तीन मोटी मोटी बातें थी जो मैंने बतानी थी कि मनाहिल चली गई, मेरी इंटर्नशिप लेट हो गई और मुहर्रम स्टार्ट हो गया, तो प्लीज़ बी केयरफुल। सही है, अभी बस मैं यूनिवर्सिटी के रास्ते में ही हूँ, आने लगी यूनिवर्सिटी, अपने पेपर वगैरह चेक करते हैं एंड फिर घर निकलते हैं। मम्मा भी जागी हुई हैं। हाँ मम्मा जाग गई थी, तो यस लेट्स गो। अब मैंने ना इस जगह को देखना है आफ्टर 3 मंथ्स इंशाल्लाह। ओके हम आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं ना जल्दी के साथ पेपर चेक कर आती हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड लोगों के इतने क्या कंसर्न्स होते हैं पेपर चेकिंग के टाइम। मुझे तो जैसे ही कोई टीचर पेपर चेक कराते मैं कहती हूँ हाँ हाँ ठीक है बस अब आप रख लें। मुझे इतना टाइम लगा एंड अंदर पता नहीं कौन अपने मार्क्स बढ़वा रहा था। जी तो मैं आ गई हूँ घर एंड मार्क्स मैंने देख लिए थे, ठीक आ गए थे। 2 कोर्सेज के देखे हैं, तो तीसरे का सर मैंने आपको पता ही है कौन से सब्जेक्ट में बात कर रही हूँ जो ऐसा सा है। खैर आई एम होम राइट नाउ। अच्छा मैंने बताया था कि मैंने कल जो है ना व्लॉग अपलोड नहीं किया था बिकॉज आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी लो। आज अगर आपको पता है मैं वॉक भी कर रही हूँ, तो वो वॉक करके ना मैं एसी वाले रूम में चली गई थी जिसकी वजह से मेरी बॉडी पूरी की पूरी दर्द कर रही थी। एंड ऑल्सो मैं सुबह सुबह जागी भी थी कि मुझे जाना है मुझे नहीं जाना, मैंने मेल करनी है क्या करना है, उसकी वजह से ना मेरी नींद पूरी थी और मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं कल कुछ भी व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि मेरा इनिशियली यही प्लान था कि मैं अब से डेली व्लॉगिंग किया करूँगी, बट खैर वो कल वाला ये सीन हो गया था। अभी मैं घर आ गई हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैंने ना नाश्ता वगैरह करना है तो चाय बना लेते हैं, मेड को भी चाय देनी है। एंड आप लोग देख ही सकते हैं सारे जो बर्तन लाइनअप हुए हुए हैं, बट खैर चाय रखते हैं। मैं कपड़े चेंज करती हूँ क्योंकि इनमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कॉफ़ी बना दो यार, मुझे भी कॉफ़ी पीनी है बाय द वे। मम्मा ने कहा है कि मेरी ले लो कसम। लड़ाई टाइम। सरप्राइजिंगली मेरी मेड को ना मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक यूजुअली ना पापा को मेरे हाथ की चाय पसंद है, ना किसी चाचू को मेरे हाथ की चाय पसंद है, बट मेरी मेड कहती है कि जब भी ये चाय बनाती है बहुत मज़े की बनाती है। तो आई मेक श्योर कि जब भी वो हैं यहाँ पे, मतलब घर पे वो काम कर रही हैं एंड मैंने नाश्ता करना या मैं इवन मम्मा के लिए भी चाय बना रही हूँ, तो मैं एक कप उनके लिए लाजमी निकालती हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ के उनके साथ थोड़ी थोड़ी गप लगा रहे थे। जी तो आई एम आउट अगेन। मैं जैसे ही नाश्ता करके बैठी हूँ ना, मैंने ग्रुप देखा क्लास का, उसमें जो तीसरा हमारा पेपर रह चुका था ना जो वाला था, उसका जो है ना आज अभी मार्किंग शो हो रही है। तो यूनिवर्सिटी उन्होंने बोला कि अभी अभी हो रही है, 2 बजे तक का टाइम है, 8:25 राइट नाउ, तो चलते हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी के पास घर होना इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग, क्योंकि आपका जब दिल करता है आप 5 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। जिस तरह मैंने आज 2 चक्कर यूनिवर्सिटी के लगाए हैं और लिटरली 5 मिनट में पहुंच जाती थी। मैंने ना अपनी BSc और जॉब के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था क्योंकि इट वॉज़ ऑल द वे इन इस्लामाबाद एंड आई हैड टू गो कभी कभी मेट्रो से, कभी गाड़ी से, और मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे। बट खैर अब मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती, बहुत आसान हो गया। यहाँ पे मैं पी रही हूँ मैंगो शेक क्योंकि मेरा बहुत अरसे से दिल कर रहा था कि मैं मैंगो मिल्क शेक पीऊँ, फ्रेश फ्रेश मज़े का एंड ठंडा ठंडा। कितने के फेक ही होगा? नहीं पाकिस्तानी ब्रांड है। मुझे ना सुबह उठने की बिल्कुल भी आदत नहीं रही, मैं इतनी डिजी फील कर रही हूँ ना, बस नमाज पढ़ती हूँ, सोचती अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करूँ और वॉक करूँ एंड अपने आप को एक्टिव करूँ, थोड़ी सी वॉक करूँ, लेकिन वो थोड़ी देर तक करूँगी, थोड़ा सा भी मैं रेस्ट करने वाली हूँ एंड शायद मैं सो भी जाऊँ या शायद ना सोऊँ, फिर आपको अपडेट मिल ही जाएगी। A few moments later. Okay, जी तो मैं अभी अभी उठी हूँ, मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गई। मैं उठी हूँ एंड वट आई हैव टू डू, मुझे लग रही है भूख, समालवी को भी लग रही है भूख, मम्मा को भी लग रही है भूख, तो क्योंकि शाम 6 बजे का टाइम हो रहा है एंड ये हमारा चाय वाला टाइम होता है, हम लोग लंच नहीं करते ऑब्वियसली, नाश्ता ही इतना लेट करेंगे तो क्या लंच करना हमने। खैर समावी से मैंने बोला चिकन पॉप्स बना दे जो KNN's के आते हैं, वो फायरी फिंगर टाइप के जो पॉप्स होते हैं, जो भी होता है वो बना रही है समावी, वो बन जाए फिर हम बनाएंगे चाय, थोड़ा बहुत ये जो है ना हम लोग खाना पीना करेंगे एंड उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आज मैं एक ही टाइम वॉक करूँ। कल मैंने 2 टाइम की थी तो मेरे ना पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया था, आज मैं एक ही टाइम वॉक करूँगी, वो होगी डिनर के बाद।
एंड उसके बाद मैं सो जाऊंगी। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग यार थोड़ा नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो जाएंगे ताकि कल हम फ्रेश फ्रेश जा सकें। यार मम्मा भी नमाज पढ़ने चली गई हैं, समावी के चिकन पॉप्स हैं या क्या है बनी नहीं रहे, तो मैं भी नमाज पढ़ लेती हूँ। मैं क्या बैठी इंतजार कर रही हूँ। हाँ चलो नमाज पढ़े। मैंने ये सोचा कि जब तक मैं नमाज पढ़ रही हूँ तब तक मैं चाय रख लेती हूँ, तो जब मैं नमाज पढ़ लूँगी तो चाय बॉयल हो जाएगी। अच्छा जी चाय मैंने रख ली, इसको थोड़ा हम लोग चूल्हे को ना आहिस्ता कर देते हैं ताकि मैं जब नमाज पढ़ूँ और वापस आऊँ तो ये बॉयल हुई हुई हो। हमारी चाय बॉयल हो चुकी है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा हाउ इंटेलिजेंट आई एम। इसको डालते हैं कप्स में। ये भी बन चुका है, इसको भी कर लेते हैं। शुरुआत करें। अच्छा जी मैं नमाज पढ़ के बिल्कुल अभी उठी हूँ, टेलर आ गए हैं तो टेलर को कपड़े दे दें, क्योंकि मैंने ना एक सूट, अगर आपको याद हो छोटी ईद मैंने सिलवाया था रेड एंड वाइट कलर का, उसकी मुझे फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, वो बहुत ज़्यादा लूज था एंड उसका ट्राउज़र मुझे ना खुला ज़रा मज़े का नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने चेंज करवाना है। तो हाँ वो कपड़े मैं ना पहले ले आती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अच्छा दी अदर, क्योंकि यहाँ पे मासी साहब ने विराजमान होना है तो यहाँ से ये हम उठा लेते हैं। अच्छा दी अदर डे समोन वॉज आस्किंग मेरे टेलर का कॉन्टैक्ट नंबर इन द कॉमेंट सेक्शन, बट आई एम सॉरी मैं ना उनका कॉन्टैक्ट इस तरह नहीं दे सकती उनके पूछे बगैर, एंड प्लस उनके ऊपर इतना वर्कलोड होता है कि वो हमारी तरफ भी बहुत कम कम आते हैं, सो आई कैन नॉट यू नो जस्ट गिव अवे हिज कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर हमने ना कलेक्टिवली उनको कपड़े शपड़े दे दिए थे एंड उसके बाद हम लोगों ने किया डिनर। डिनर में आज था लोबिया। डिनर करने के बाद मैंने सोचा कि यार आज मैं ना अपनी ड्रॉअर जो है कम्प्लीटली साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरी ड्रॉअर के अंदर बहुत सारी ना इररिलेवेंट चीज़ें भी जमा थी। आई थॉट कि यार मेरे अब एग्जाम्स भी ख़त्म हो गए तो सबसे पहले ना इसको साफ़ कर लेते हैं। तो देखें कितनी अच्छी सी शक्ल निकल आई है ड्रॉअर की, क्योंकि मैंने सब कुछ एक एक चीज़ मैंने साफ़ किए एंड इररिलेवेंट स्टफ़ मैंने सारा फेंक दिया था। खैर आज मेरी ना वॉक भी नहीं हो सकी क्योंकि एक तो बज ही गया था ये सब कुछ करते करते, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।